पीछे का रास्ता आप देख सकते हो कैसा है। पूरा रास्ते का तो वीडियो मैं नहीं कर पाया, हालत भी नहीं है, बस पहुंचना है ऊपर। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाड़ो। Now the time is 10 a.m. in the morning and we are going today tiger nest, and now the temperature is minus 2 degrees centigrade, but yahan rehte rehte aadat si ho gayi hai, ab utna thand nahi lag raha hai, par bike chalate hue zyada thand lag raha hai, aise to itna thand nahi lag raha hai। To bahut hi acha view hai yahan ka, to main aapko apna hotel dikha deta hu। Ab pehle hotel dekh lijiye, yahi hotel pe hum log rahe hain kal raat, jo hai GR resort। आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा है, मेरा बाइक के ऊपर तो पूरा बर्फ़ जम गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये मेरे पीछे आप व्यू देख लीजिए, और ये मेरे पीछे जो होटल है यहीं पे हम लोग रहे हैं कल, जो है जिया रिसोर्ट। मेरे पीछे देख रहे हैं आप व्यू, तो थिम्पू में जो प्रॉब्लम हुआ था, सुबह पानी नहीं आ रहा था क्योंकि पानी पूरा जम गया था, और यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब ठीक है, पानी भी अच्छे से आया, मैंने तो अब नहा लिया और फ्रेश हो गया पूरा। अभी कुछ देर बाद ही निकलने वाले हैं हम लोग, तो आप व्यू देखिए। Now the time is around 12 p.m. and we are now heading towards the tiger nest। We have done our breakfast, puri sabji, and we shifted our hotel, and now we are staying the hotel beside where previously staying। The name of the hotel is Nabling Resort, so I'll show you the hotel once I'll get back from the tiger nest, then I'll show you the resort। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 9 किलोमीटर है, फिर उसके बाद एक 2 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, वो ट्रैकिंग है, अप हिल वॉकिंग है। गाइस, हम लोग एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए थे रास्ता को एंजॉय करते करते, तो हम लोग को फिर पीछे आना पड़ा, ज़्यादा आगे चले गए थे, तो
तो ये रास्ता जाएगा टाइगर नेस्ट की ओर, थोड़ा डाउन है रास्ता, और पारो से आते वक्त राइट साइड पे ये छोटा सा रास्ता जा रहा है। वेदर काफी अच्छा है, थीपू का तो कल वेदर अचानक से खराब हो गया, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था, तो आज मौसम अच्छा है, क्लियर है और आसमान भी एकदम साफ है। गाइस क्या रास्ता है यार, और क्या व्यू है, और मुझे तो दिख गया टाइगर नेस्ट, आपको शायद नहीं दिखेगा, वो रहा ऊपर। कैन यू सी गाइस, टाइगर नेस्ट, ओहो ओहो, सो एक्साइटेड गाइस। Guys, now we are walking towards the tiger nest, and it's almost 2 to 3 kilometers hiking, and हम लोग की तो हालत already खराब हो गया, too much steep and अभी तक half रास्ता भी नहीं है, हम लोग आधा घंटा हो गया, चले ही जा रहे। पीछे का रास्ता आप देख सकते हो कैसा है, पूरा रास्ते का तो वीडियो मैं नहीं कर पाया, हालत भी नहीं है, बस पहुंचना है ऊपर। ऊपर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, तो इसीलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैंने बाहर से कुछ फ़ोटो उठाया, वही मैं आपको शेयर करूंगा, इसके बाद आपको फ़ोटो देख लेना। मैंने कुछ फ़ोटो उठाया है,
और टेम्परेचर भी काफ़ी जल्दी से गिर रहा है। तो गाइज़ हम लोग वापस आ गए होटल पे, और ये जो होटल सुबह मैं बता रहा था लास्ट नाइट जो होटल पे था, ये उसके ठीक बगल में है और होटल का नाम है नियाबलिंग रिसोर्ट। एंड रूम बहुत ही बढ़िया मिला है, लास्ट जो कल जो होटल पे था उससे बहुत ही अच्छा मिला है। कल तो मतलब मजबूरी में रहना पड़ा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, तो ढूंढने में इस होटल पर आज रूम मिला है, तो हम लोग सुबह ही शिफ्ट कर लिए इधर। और अभी हम लोग टाइगर नेस्ट से वापस आके रूम देखा तो माई गॉड, इट इज़ स्मॉल स्वीट। तो आप लोगों को मैं रूम दिखा देता हूँ, आप लोग पहले रूम देखिए। ये है रूम, और रूम से आपको बाहर का जो नज़ारा है वो भी दिखा देता हूँ। रात को शायद उतना अच्छा नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या व्यू है। और ये पारो में ये रूम सिर्फ 2000 रुपीज़ में, मतलब 2000 रुपीज़ पर नाइट, बहुत ही अच्छा डील है। होटल का नाम है नियाबलिंग रिसोर्ट। अगर आप आएंगे तो मैं इसका डिटेल्स अपने वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो अगर आप आएंगे तो ज़रूर इस रिसॉर्ट पे ठहरना, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट है, छोटा है बट बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डेकोरेटेड है, तो ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा डील है। पर आके बुकिंग मत करना, अगर आपको आना है इस होटल पर रहना है तो पहले से आप बुकिंग कर लेना, और मेक माई ट्रिप से तो मत ही करना, क्योंकि कल मैंने आपको बताया मेरे साथ क्या हुआ। कॉल करके बुक करना या इन लोगों को मेल करके बुक करना, कुछ भी करना, पर मेक माई ट्रिप से बुक मत करना। तो अभी हम लोग कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, तो पारो सिटी में घूमेंगे थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं फिर बाहर जाएंगे।